मुंब्रा के गांव देवी में टूट कर गिरा बिजली का तार। 20 वर्षीय युवती आई इसकी चपेट में। इलाज का खर्च टोरेंट पावर उठाएगी। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने पहाड़ी पर बसे गांव देवी में एक युवती करंट की चपेट में आ गई। इस 20 वर्षीय युवती का नाम साजिदा मोहम्मद शेख है। ये हादसा आज दोपहर में हुआ है। बारिश लगातार हो रही है और इसी वजह से बिजली का तार टूट कर गिर गया। बताया जा रहा है कि तार झोपड़े के पतरे से टच था। इसी बीच साजिदा झोपड़े पर बने ऊपर के घर में जाने के लिए सीढ़ी पर पैर जैसे ही रखा करंट की चपेट में आ गई। करंट का झटका जोरदार था और दूर जाकर साजिदा गिरी, जिसकी वजह से उसके सर में मार लगी। करंट का झटका और ऊपर से जमीन पर गिरने से साजिदा बेहोश हो गई। स्थानीय लोग युवती को बुरहानी अस्पताल लेकर गई। इसकी सूचना टोरेंट पावर के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई। इसके बाद इलाके की बिजली काट दी गई। मौके पर समाज सेवक शिवा जगताप, परवीन फिरोज खान सभी लोग बुरहानी अस्पताल पहुंचे और बताया जा रहा है कि युवती की हालत अब ठीक है। मौके पर टोरेंट पावर के कर्मचारी और अधिकारी भी घटना के बाद बुरहानी अस्पताल पहुंचे और शिवा जगताप, परवीन और फिरोज खान और युवती के परिवार से बातचीत की और युवती के इलाज का खर्च टोरेंट पावर करेगी। ऐसी जानकारी परिवार के सदस्य और शिवा जगताप, परवीन और फिरोज खान ने दी है। सुनिए क्या इन लोगों ने जानकारी दी है। तो कब झंपर गिरा हमको मालूम नहीं, खाली उसने पहले सीढ़ी पे पाव रखी और नीचे डायरेक्ट आ गई। अच्छा, क्या नाम है आपके? साजिदा शेख। कितनी उम्र? 20। तो टोरेंट के जो अधिकारी आए थे उन लोगों ने कुछ कहा आप लोगों से? इलाज का खर्चा गिरते के साथ वो बेहोश हो गई थी, हम लोग ने उठा लिया। टोरेंट के जो अधिकारी आए थे तो इलाज का खर्च उन लोगों ने? हाँ, उन्होंने बोले पूरा जितना तुमने लगाए वो भी देंगे और पूरा खर्चा उठाएंगे हॉस्पिटल का। बाकी टोरेंट वालों ने कहा है क्या ऐसा है? हाँ, इमरान में टोरेंट वाले आए थे, ऊपर भी उनकी टीम आई थी पूरी, उनसे हमारी बात भी हुई। उन्होंने बताया है कि इन्होंने जो 20,000 रुपये बुरहानी हॉस्पिटल के अंदर जमा किए हैं वो भी हम इनको रिटर्न देंगे और उनका एक फॉर्म रहता है ML से बोल के, उसको पुरस्कार के अंदर डाल के वो लोग बोले हमने मैनेजमेंट से बात की है, उसका बोले पूरा खर्चा भी बोले हमारा डिपार्टमेंट पूरा उठाएगा बोले। और हमने नगर सेवक सातपुरी राय से भी बात की थी, शिवा जगताप है, परवीन है। तो ऐसा है कि वायर जो है वो भी निकालने की बात चल रही है, मतलब थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा उन्होंने बोले कि हमको ऑर्डर नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से हम लोग टोरंटो से और हमारे नगर सेविका से हम ऐसे गुजारिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस वायर को हटाने की कोशिश करें। परवीन भाई, टोरेंट के कर्मचारी जो अभी यहाँ पर आए थे, जिस महिला को करंट लगी है उनके परिवार वालों से क्या इन लोगों ने कहा है? क्या इलाज का खर्च उन लोगों को संभालने को बोल रहे हैं क्या? हमारा जो वार्ड है गाँव देवी, वहाँ से मुझे समाज सेवक चांदपुरेची के लड़के सरफराज, इनका फ़ोन आया था सुबह सातपुते मैडम और मुझे, तो हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे तो जो वायर है लाइट का वो गिर के एक हादसा हुआ और 20 साल की एक शादीशुदा औरत है उसको वो हादसे में चोट लगी है, वो ऊपर से गिरी है, उसको सर में और कमर में चोट आई है। तो हमने तुरंत सातपुते मैडम ने तुरंत टोरंट के जो अधिकारी लोग हैं अभिजीत सर और मनन सर, उनसे बात करके वहाँ की लाइट बंद करवाई और वहाँ पे टोरंट की टीम भेजकर वो लड़की को अभी बिलाल बुरहानी हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। अभी हम लोग भी सातपुते मैडम के माध्यम से शिवा जगताप और मैं प्रवीण पवार हम लोग वहाँ पे आए हैं देखने के लिए क्या है क्या नहीं। तो हम लोग ने टोरंट कंपनी के जो अधिकारी है उनको भी बुला लिया था, मनन सर, पाटिल सर और अभिजीत सर, वो लोग यहाँ पे थे। उन्होंने आश्वासित हमको किया है कि जो भी लड़की का हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो खुद वो करेंगे और उन्होंने बुरहानी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से भी बात कर ली है और जो भी खर्चा होगा, जो भी डिपॉजिट भरा हुआ है वो सब रिटर्न हो जाएगा। अभी हम लोग ने शिवा जगताप और मैंने जाके देखा है लड़की की हालत को, तो उसको सर में और कमर में चोट आई है, तो अभी वो लड़की के सर का सीटी स्कैन होगा और कमर का एक्सरे वगैरह निकाल के जो भी ट्रीटमेंट होगा वो चल रहा है। और सातपुते मैडम के माध्यम से हम लोग ने मांग की है कि जो भी वायर ऊपर से गई है उसको अंडरग्राउंड केबल के जरिए किया जाए कि बाद में कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो।